नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शुभम वीडियो क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विष्णु खड़े द्वारा एक चैप्टर जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन तो आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस एक्टर हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जो कि दर्शाता है हंसी के ऊपर बेस्ड इनकी कुछ मूवीज़। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन तो एक व्यक्ति लोग हैं, यानी हम सब इसमें क्यों जोड़ा गया है? यानी हम सब का अर्थ है कि जैसे कि हम लोग हैं कि एक मुसीबत से छूटते नहीं, दूसरी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं कि कोसते रहते हैं एक दूसरे को, यार ये मुसीबत में पड़ गया, ये पड़ गया। तो चार्ली चैपलिन भी ऐसे ही थे कि उनके जीवन में एक मुसीबत आती नहीं थी कि दूसरी चली आती थी। तो दोस्तों, इसलिए इस चैप्टर पार्ट का नाम रखा है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो आप समझ गए होंगे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पार्ट का शीर्षक भी एक तरह एक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो दोस्तों, ये चार्ली चैपलिन के लिए ये वर्ष दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला वर्ष, उनके जन्म को पूरे 100 साल होने वाले हैं, तो इसलिए चार्ली के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण इसका ये है कि जो चार्ली की पहली फिल्म है मेकिंग एवं लिविंग, उसके पूरे 75 वर्ष होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए चार्ली के लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है दो कारणों की वजह से। इन पर गौर दीजिएगा, दो कारण। पहला तो उसके जन्म के 100 साल हो गए, दूसरी उसकी पहली फिल्म के 75 साल हो गए मेकिंग एंड लिविंग। अब बात करते हैं हम कि चार्ली को 50 सालों तक और याद किया जाएगा, इसका क्या कारण है? ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि चार्ली को क्यों याद किया जाएगा 50 वर्षों तक। दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि ये जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न साइड कंट्रीज, उनमें कई सारे तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। तो तकनीकी का प्रयोग करके उन्हें पुनर्जीवित करा जा रहा है, मतलब उनको नया रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें बड़े हंसाऊपन हैं। तो ये सब जो सीखा है वो चार्ली चैपलिन से सीखा है। चार्ली चैपलिन एक समस्या से पढ़ते हैं, दूसरे पद में फट जाते हैं। जैसे कि आप सब ने देखा होगा वेस्टर्न सीरीज की मिस्टर बीन, उस पिक्चर में भी ऐसे ही होता है कि एक समस्या में पढ़ते नहीं, दूसरी समस्या पड़ जाता है और कई तरह के हंसाने के लोगों को प्रयास किया जाता है। तो यही विकासशील देशों में भी ऐसा किया जा रहा है, चार्ली के तरह नए नए रूप को जन्म दिया जा रहा है। तो इसका पहला ये कारण हो गया। और दूसरा ये कि विकसित देश जैसे इंडिया, बांग्लादेश और हमारे आसपास की कंट्री और हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि डेवलप हो रही हैं, तो विकसित कंट्रीज़ में क्या किया जा रहा है कि तकनीक के कारण से चार्ली को बड़े लेवल पर प्रसारण किया जा रहा है। जैसे कि आप सबने देखा होगा ये जो पॉलिश किया जाता है चेरी का, उसमें होता है एक जूता पहन के हाथ में छड़ी लेके और टोपी लगाए के चलता ही रहता है और छोटे से मोजे लग के। तो ऐसा ही हो रहा है, तकनीकी कारण हम उन व्यक्तियों को फेमस कर रहे हैं। तो चार्ली भी इस तकनीकी कारण फेमस हो रहा है। और जो तीसरी बात आती है, तीसरी बात यह है कि उनकी कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जो कि शूटिंग हुई थी पर उनका उन्होंने वो नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, उनको रिलीज़ नहीं किया। तो इसके कारण वो रीले जो है वो हमें पता ही नहीं कि चार्ली ने ऐसा भी कुछ नाटक किया था। तो यही नाटक को फिर से दर्शाया जाएगा, उन रीलों को दोबारा जमाया जाएगा, इसलिए हम चार्ली के 50 वर्ष और बता सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीन बातों पे गौर दीजिएगा। पहला कि विकासशील देशों में प्रसारण हो रहा है, दूसरा पश्चिमी देशों में, और तीसरा कई नई रीलें मिली हैं जिसको अभी देखा जाएगा। तो दोस्तों, चार्ली की जो फिल्में थी वो भावनाओं पर बेस्ड थी, जैसे कि मेट्रोपोलिस। तो इसमें क्या था कि इसे कोई भी देख सकता है, जैसे कि एक पागल व्यक्ति भी अगर वो चार्ली की फिल्में देखेगा तो हंस हंस के पागल हो जाएगा। दूसरा आइंस्टाइन, जो कि इतने पढ़ाकू थे और हमेशा सीरियस रहते थे, अगर वो भी व्यक्ति चार्ली की फिल्म देखेंगे तो खुशी के मारे उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों। तो आगे बात, चार्ली ने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया है, जो कि पहले ही बना रहा था, और उसने जो नया काम किया है वो क्या किया है, वर्ग, जो हमारे वर्ग व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उन सब को उसने तोड़ा है, उनका उसने विरोध किया है। तो यहीं चार्ली की जो फिल्में हैं उसका ये जो अच्छा था, मतलब उसमें लोकतांत्रिक एवं वर्ग और वर्ग व्यवस्था का उसमें बुराई की गई है। तो उसने चार्ली एक ऐसा बच्चा भीड़ का था जो कि राजाओं के ऊपर हंस सकता था, जैसे कि वो कहता है कि राजा भी उतना नंगा है और जितना एक प्रजा है। तो ऐसा कोई शासक नहीं चाहेगा कि उसका मजाक बने, तो चार्ली ने ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाया है। तो चार्ली का जो बचपन में उसके पिता उसके माता को छोड़ के चले गए थे, तो उनको बड़ा सामना करना पड़ा कई परिस्थितियों का। या चार्ली की माँ को बी ग्रेट एक्ट्रेस का रोल मिला फिल्मों में,
और उसकी माँ कुछ सालों बाद ही पागल हो गई, तो चार्ली के ऊपर सारा काम काज का बोझ आ गया। अब उसे ही कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने थे। तो दोस्तों पागलपन के कारण अब तो चार्ली के ऊपर सारा बोझ आ ही गया। तो उसमें क्या हुआ कि अब उसे भी फिल्में बनानी थी, तो उसमें जब वो पागल हो गई थी उसकी माँ, तो उसको मदद तो चाहिए होगी, इतना मान के चलो बच्चा था तो कैसे काम करता। तो उसने जिससे ही मदद ली, जिससे यहाँ पे काम करने की सिफारिश की, वो पूंजीपतियों ने उसको दुत्कारा है, उसको गाली दिया होगा, उसको भगाया होगा, उसको बड़ा तकलीफ दिया होगा कि कैसा भिखारी आ चला आता यहाँ काम मांगने, कि यहाँ काम वाम नहीं है, पैसा मांगने, ऐसी सी बातें कह के कही होगी। तभी ये चार्ली के मन में बैठ गई है और चार्ली ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया है। उनकी फिल्म की ये एक नई विशेषता है। दोस्तों जो चार्ली था ना, वो अपने नानी की तरफ से खानाबदोश था। तो खानाबदोश जो यूरोप में गए थे, वो यूरोप में वो जिप्सी, जो भारत की जिप्सी थे, वो वहाँ जाके बस गए। और अपने पिता की तरफ से वो यहूदी वंश था। यहूदी आपने सुना ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदी को बहुत सारा मारे गए थे, तो यहूदी वंश का था। तो दोस्तों यही उसने उसको बना दिया घुमंतू, आवारा और बाहरी व्यक्ति चार्ली को बना दिया। सिद्धांत जो है वो कला को जन्म नहीं देती, बल्कि कला जो है वो सिद्धांत को जन्म प्रति देती है, या फिर हमें जन्म से लाना पड़ता है, नहीं तो हमें उसे अपने अंदर उभारना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती कड़ी, तब जाके कोई कला हमारे अंदर डेवलप होती है, वो हमारे सिद्धांत को जन्म देती है, हमको फेमस बनाती है। तो यही बात कही गई है कि कला जो है वो सिद्धांत को जन्म देती है, ना कि सिद्धांत कला को जन्म देगा। दोस्तों तो आप में भी अगर कोई कला है तो उसको डेवलप कीजिए, और आप भी अपना सिद्धांत बनाइए भारत में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चार्ली को लोग अपने से जाना पहचाना लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 10वें सेकंड में जैसे ही मुसीबत से निकलता दोबारा मुसीबत में पड़ जाता। वो आम व्यक्ति की तरह है और हम लोगों की तरह, कि एक मुसीबत आती नहीं दूसरी टूट पड़ती है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं कि एक मुसीबत में पड़ते हैं तो दूसरी मुसीबत में आ जाते हैं। तो अगली बात यह है कि चार्ली की जो दो घटनाएं हैं जिस पे जीवन पे उसके बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो पहला तो ये है कि चार्ली एक बार बीमार हो जाता है तो उसकी माँ उसे कहानी सुनाती है बाइबल ईसा मसीह की। उसमें क्या होता है कि ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया जाता है। वह बात सुनकर चार्ली और उसकी माँ दोनों रहते हैं। यह बात चार्ली ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि वह ओखले स्ट्रीट के तहखाने में के अंधेरे कमरे में रहते हैं। वहाँ उसकी माँ ने उसे नाट्य और उसके बारे में, नाट्य और कला के बारे में एक बात बताई है जो कि महान और समृद्ध बात है। उसे उस विषय में ये पता चला कि स्नेह, करुणा और मानवता का पता चला। तो वो दोनों इस ईसा मसीह की कहानी सुन के रोने लगते हैं। तो उन्हें स्नेह, करुणा और मानवता का पता चला। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दूसरी ऐसी कौन सी घटना थी जो चार्ली के ऊपर बहुत प्रभाव दिया। तो दूसरी घटना ये थी कि चार्ली का घर जो था कसाई खाने के पास था। तो वहाँ उसने एक दिन क्या देखा कि एक छोटे भेड़ का बच्चा ले जा रहे थे उसको कसाई पकड़ के। तो बच्चा किसी तरह से उनसे बच निकला और भागने लगा। तो कसाई खाने के जो लोग थे उन उसको पकड़ने के लिए दौड़े उसके पीछे, तो वो भी गिर जा रहे थे। तो ये तो दृश्य जो था ये बड़ा हंसीपूर्ण था, परंतु चार्ली भी इसको देख के खूब हंसा। जब बाद में उस भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया गया, कसंजे में कस लिया गया, फिर क्या हुआ, फिर चार्ली जो है वो बड़ा दुखी हो गया कि अब तो इसका मरना निश्चित है। तो यही बात जाके वो अपनी माँ को बताता है कि अब वो भेड़ को मार डालेंगे। रोते रोते जाके अपनी माँ को बता देता है कि अब वो भेड़ को मार डालेंगे, भेड़ को मार डालेंगे। तो इससे चार्ली को यह पता चलता है कि जीवन में त्रासदी और हास्य दोनों का मेल एक साथ पता चलता है उसको, कि कभी कभी हमें हंसी भी आ जाती है और कभी कभी हमें दुख भी प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे में उसने ये फिल्में में दर्शाया है कि त्रासदी और हास्य, तो दोनों दोस्तों ये जो दो महत्वपूर्ण जो हुए थे चार्ली के साथ घटनाएं, उसका जो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ये आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि उसने वो सुना था बाइबल जहाँ पे ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया था, उसे स्नेह, करुणा और मानवता का पता चला था। दूसरा जब वो कसाई खाने के पास रहता था, भेड़ के बच्चे को पकड़ के वो कसाई खाने ले गए और उसे कमार डालेंगे, तो उसको सुन के चार्ली को हास्य और त्रासदी का दोनों का पता चला। इसको याद रखिएगा, करुणा और हास्य का एक जैसे एक पल में ही बदल जाना, ऐसा भारतीय फिल्मों या नाटकों में बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा रामायण और महाभारत, इसमें भी जो सांस्कृतिक नाटकों में विदूषक होता है वो भी राज व्यक्तियों का मजाक उड़ाता है, परंतु उसमें भी अगर करुणा और हास्य एक जैसे नहीं बदल जाता कि हम उसको देख के दुखी भी हों और तुरंत हंस दें, जैसे कि द्रौपदी का सीन देखा ही होगा कि उसमें जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो ऐसा नहीं होता कि
हाँ करके हंस दे, अरे यार इसका चीर है, और ऐसे नहीं, उसमें भी उसको सीरियसनेस से दिखाया गया है कि यार ये देखो ये बुरी तरह से समाज पे व्यंग किया गया है। दोस्तों चार्ली की फिल्में ऐसी हैं, कब हास्य से करुणा में बदल जाए और करुणा से हास्य में बदल जाए, तो इसको भी भारतीय फिल्मों ने इसको भी अपनाया है कि ये इनका देखी देखा कि हम भी कभी कभी हंसा देंगे, कभी कभी ऐसे रोने वाले सीन हम भी डाल देंगे। अब बात करते हैं आगे, राज कपूर साहब को चार्ली का भारतीय कहना बताया है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में भी है जो चार्ली की तरह है, तो राज कपूर साहब को इसलिए बताया गया है क्योंकि उन्हें जो पिक्चर बनाई है श्री 420 आवारा, ये पिक्चर जो है पूरी चार्ली की लाइफ पे बेस्ड है, जैसे उसने पिक्चरें बनाई थी। दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोनिनो, लीडर, गोपी और देव आनंद ने 9 2 11, फंटूस, तीन देवियां, और अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में बनाई हैं, और शम्मी कपूर और श्रीदेवी जी ने किसी न किसी प्रकार से चार्ली का रोल अदा किया है। जैसा कि महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन जो कि श्री कृष्ण का दोस्त था, मित्र था, उसने उसकी जो श्री कृष्ण की पत्नी को डाकू उसको ले जा रहे थे, तो उसने क्या किया कि अर्जुन ने तीर चलाना शुरू किया, तो सारे तीर जो है किसी न किसी डाकू को नहीं लग रहे थे, उसके तीर कहीं ना कहीं जाके गिर जा रहे थे। तो जो ये दोनों ये जो पिक्चर में ये महाभारत में जो दिखाने लायक था वो था कि हम इसको हंसते हुए दिखा सकते थे और त्रासदी में भी दिखा सकते थे, परंतु महाभारत में इसमें त्रासदी में दिखाया है, एक करुणा के रूप में दिखाया है, ना कि उसका मजाक उड़ाया गया है कि अर्जुन के एक भी तीर नहीं लग पाए। तो चार्ली चैपलिन को हम लोग बहुत पसंद भी करते हैं, वो किसी भी भार किसी भी मतलब वो जो होता है उसको कह सकते, किसी भी संस्कृति को उसने विदेशी नहीं माना, क्योंकि आप तो जानते होंगे वो किसी भी पिक्चर या मूवी में देखते हैं वहीं तो हंसता ही रहता, हंसता ही रहता, चाहे उसे कोई भी चीज़ विदेशी कभी नहीं लगी है। होली एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें कि हम खुद के ऊपर हंसते हैं, और इसके अलावा ऐसा कोई भी भारत में त्यौहार नहीं है जिसमें हम अपने ऊपर खुद हंसें, क्योंकि होली जैसे ही अभी फिलहाल गुजरी है तो आपने देखा होगा कि होली में हम एक दूसरे को भूत जैसा बना देते हैं, और हम अपनी शक्ल देख के हंसने लगते हैं कि अरे यार ये कौन था और कैसे हो गया, इसकी शक्ल इतनी बुरी कैसे हो गई कलर डाल डाल के। तो यही होली एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा त्यौहार है भारतीय में जिसमें हम खुद के ऊपर हंसते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ग्रामीण इलाकों में ही हंसते थे आजकल, और संस्कृति थी कि अरे होली बनाते समय लोग अपने ऊपर कलर वलर डालते थे तो हंसते थे, परंतु आजकल ये शहरी में भी बिल्कुल नहीं है, शहर में आज शायद ही ऐसा होता हो कि अरे उसको भूत बना दिया हंसते हो और वो खुद पे भी हंसता हो, नहीं तो कई बार तो वो शहर में चिढ़ जाता है और मारने भी दौड़ता है। तो आप इससे समझ ही गए होंगे, चार्ली अपने ऊपर सबसे ज़्यादा जब हंसता जब वो अपने आप को शक्तिशाली, समृद्ध, सभ्यता, सफलता और कठोर समझता, और क्षण भर देखते ही उसकी सारी जो गरिमा है और वो जो उसकी समृद्धि है वो सब एक जैसे गुब्बारे में हम सुई नहीं चुबा देते हैं वैसे फुस हो जाती है, वैसे ही उसकी सारी वो जो सफलता वफलता जो भी जितना भी उसमें भरा होता है सब, तो वो सारा ऐसे फुस हो जाता है या मतलब ख़त्म हो जाता है मानो जैसे कि हम गुब्बारे में सुई चुबा देते हैं। तो चार्ली की फिल्में ऐसे ही इसी प्रकार है कि 2 मिनट में वो अपने आप को सफलता समझता है, फिर बाद में खुद ही ठुस हो के बिल्कुल निकल जाता है, पूरा उसका सफलता का जो कठोर का होता है वो सब निकल जाता है। तो इसी के चलते ही चार्ली ने ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जिसमें ये सब दिखाया है, उसमें नाटक किया है। तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी राजकुमार साहब की कुछ फिल्में देखी जैसे आवारा, श्री 420, तो आप भी इनको देख के अपने जीवन में मुस्कुराते रहिएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम देते रहिएगा। तो इसी को चलते ही चार्ली ऐसे व्यक्तित्व का पहलू है जो कि हमारे सामने हैं, जो कि हमेशा हंसता रहता है, एक एक क्षण में वो सफलता एवं कई सारे उससे निकलता है जो उसके समस्याएं से निकलता है, परंतु क्षण भर या कुछ सेकंडों बाद वो दोबारा एक नई समस्या में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक ऐड में जिसमें एक चार्ली का जो रोल अदा कर रहा होता है वो जाता है सर्कस देखने, तो वो ऐसे बाड़े में घुस जाता है जिसमें शेर रखा होता है, तो देखता नहीं पहले शेर को, जब वो शेर को देखता है तो शेर को देख के वो भड़ जाता है, वो शेर जैसे उठता है वो बाहर निकल जाता है उससे। तो इसमें यही हास्य की बात बताइए कि 1 सेकंड हुआ नहीं कि चार्ली एक नई मुसीबत में पड़ जाता है, जैसे कि हम सब लोग भी हैं कि एक समस्या से हल नहीं करते कि दूसरी समस्या हमारे ऊपर टूटी पड़ती है। तो इसलिए हमें ये चार्ली की पिक्चर देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि हमें मुसीबत से कभी डरना नहीं चाहिए और हमें हर मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए।
तो यहीं पे मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।